हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, ठीक, और चेन रूल। किसी किसी बुक में फंक्शन ऑफ फंक्शन गिवन होता है और किसी किसी बुक में चेन रूल। तो देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन एंड चेन रूल, ठीक। देखिए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, हर टीचर क्या करता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन समझा दिया, क्वेश्चन करवाने लग जाते हैं। लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन पर फंक्शन ऑफ फंक्शन अप्लाई होगा, लेकिन अगर हम उन क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में, एक सीरीज टाइप में करते हुए जाएं, तो हम फंक्शन ऑफ फंक्शन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। मैं आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा, ठीक, जिससे आप कभी नहीं बोलेंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू साइन लॉग x, देखिए यहां पर कुछ मिसिंग है, आप फाइंड कर सकते हैं क्या मिसिंग है, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि d by dx of sin x, तो आप आंसर कह देंगे कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ठीक। बट अगर मैं वही आपसे कहूं कि d by dx of sin, सिर्फ sin, तो आप लोगों ने तो डेरिवेटिव ऑफ sin पढ़ा ही नहीं है। हमारे पास तो डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ sin क्या होगा? तो इस टाइम तो इसका डेरिवेटिव कुछ नहीं हो सकता। इसका डेरिवेटिव अब तब हम निकाल सकते हैं जब ये कंप्लीट फंक्शन हो, कहने का मतलब कि यहां पर कोई एक रेडियन वैल्यू गिवन हो, जैसे x एक रेडियन वैल्यू है, वो रेडियन वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट एक रेडियन वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि d by dx of tan x, तो आप कह देंगे कि sec square x, बट अगर मैं कहूं कि d by dx of tan, तो आप इसका डेरिवेटिव नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि tan इस टाइम इनकम्प्लीट फंक्शन है, इसे कंप्लीट होने के लिए यहां पर एक रेडियन चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x, ठीक। एक और, अगर मैं आपसे कहूं कि d by dx of log x, तो आप डेरिवेटिव कहेंगे 1 by x। अगर मैं आपसे कहूं कि d by dx of log, तो आपने तो पढ़ा ही नहीं है, इस टाइम तो ये एक इनकम्प्लीट फंक्शन हो गया। तो सर, इसे कंप्लीट करना होगा, कैसे? यहां पर एक वैल्यू लगाएंगे, जैसे इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक। तो वेरिएबल लगाने के लिए, यहां पर एक वेरिएबल लगाएंगे तो हम एक कंप्लीट फंक्शन, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहां पर एक्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। देखिए, इनमें और ये जो मैंने आपके सामने ये समझाया, तो इससे इसका क्या रिलेशन है? देखिए, यहां पर साइन है, यहां पर लॉग एक्स है, ठीक, साइन लॉग एक्स है। इस टाइम साइन को देखिए, हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स, यहां पर क्या है, साइन। तो इस टाइम साइन क्या है, इनकम्प्लीट फंक्शन। इसे किस कंप्लीट फंक्शन बनने के लिए क्या करना होगा, x चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूं कि log x x है, log x sin के लिए पूरा x है। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, बट मैंने x क्या लेट करा है, log x, तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, log x, इतना समझ गए, ठीक। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन इस फंक्शन पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो log x वाले फंक्शन में चेंज लाने से साइन वाले फंक्शन में चेंज होगा, और इस फंक्शन में चेंज होने से y में चेंज होगा, होगा। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक। और इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या दिया गया, एक रूल दिया गया, जिसे हम कहते हैं चेन रूल, ठीक। अब एक्चुअली में ये चेन रूल है क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन तो आपको समझ में आया, एक्चुअली में चेन रूल क्या है,
देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन और चेन रूल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसी फंक्शन को थोड़ा और बढ़ा के लिख दूं, कैसे, साइन टेन लॉग ई की पावर एक्स, साइन इनकम्प्लीट फंक्शन, क्या है, इनकम्प्लीट फंक्शन। ये कंप्लीट फंक्शन कब होगा, जब मैं साइन के साथ एक्स लगा दूं, तो मैं लेट कर लूंगा कि साइन के लिए एक्स क्या है, टेन लॉग ई की पावर एक्स, बाकी बचे हुए सारे फंक्शन क्या हो गए, साइन के लिए एक्स हो गए। तो ये इन पर डिपेंड करा, किस पर डिपेंड करा, टेन लॉग ई की पावर एक्स पर। तो यहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा। फिर टेन पर आते हैं, टेन एक इनकम्प्लीट फंक्शन है, बट टेन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो मैं लेट कर लूंगा कि टेन के लिए एक्स क्या है, बचे हुए फंक्शन यानी लॉग ई की पावर एक्स, मतलब टेन किस पर डिपेंड करा हुआ, इस लॉग ई की पावर एक्स पर डिपेंड करा। अब आते हैं लॉग पर, हमारे पास लॉग एक्स होना चाहिए, यहां पर क्या है लॉग, तो लॉग के लिए एक्स चाहिए, तो मैं लेट कर लूंगा कि लॉग के लिए एक्स क्या है, ई की पावर एक्स, क्या है, ई की पावर एक्स। तो लॉग किस पर डिपेंड करा, ई की पावर एक्स पर। फिर आते हैं ई की पावर एक्स पर, तो ई की पावर एक्स को आपको पता ही है, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, तो ये कंप्लीट फंक्शन है। ठीक, तो यहां पर बहुत सारे फंक्शन जब आपस में जुड़ जाते हैं, कड़ी बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, चेन। और उस फंक्शन को सोल्व करने के लिए रूल दिया गया, जिसे बोलते हैं हम चेन रूल। तो आप समझ गए, मेनली फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन को अगर हम चेन के रूप में बना दें, मतलब बहुत सारे फंक्शन को जोड़ दें इस तरीके से, तो वो क्या बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं, और उसे सोल्व करने के लिए रूल दिया गया, दिस इज नोन एज चेन रूल। ठीक, तो कभी भी आपको अगर इस तरीके से कोई फंक्शन मिलता है, तो वहां पर क्या लगेगा, चेन रूल। इसे और अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को करना होगा, क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन। तो मैं आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन में कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपके प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे और आप एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिफाइन कर पाएंगे आसानी से। ठीक, तो देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन जब हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास दो रूल होते हैं, एक होता है लॉन्ग रूल, एक होता है शॉर्ट रूल। क्या होता है, एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट। देखिए शॉर्ट वाला जो मेथड है ना, वो लंबे चेन पे यूज होता है, और लॉन्ग वाला जो है वो छोटे चेन पर यूज होता है। ठीक, दोनों का भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट पर भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, लॉन्ग पर भी पूरे मार्क्स मिलते हैं। बट अगर आप एग्जाम में दे रहे हैं और आपके पास इस तरीके से मिलता है y इक्वल टू लॉग साइन x, या y इक्वल टू साइन, सॉरी, साइन लॉग x, y इक्वल टू साइन e की पावर x, यहां पर क्या है, सिर्फ दो फंक्शन है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए लॉग के साथ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो लॉग के लिए x क्या हो जाएगा, साइन x। ठीक, और साइन x अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन है। फिर देखिए साइन लॉग x, अभी समझा था, तो साइन के साथ क्या होना चाहिए, x, तो मैं लेट कर लूंगा x क्या है उसके लिए, log x। फिर आएंगे log x पर, log x कंप्लीट फंक्शन। फिर क्या होना चाहिए, साइन x, तो साइन के लिए x क्या मान लूंगा, e की पावर x। फिर आएंगे e की पावर x पर, तो वो एक कंप्लीट फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके से फंक्शन मिलते हैं, दो फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो वहां आप लॉन्ग मेथड अप्लाई कीजिए, शॉर्ट मेथड मत अप्लाई कीजिए। ठीक, शॉर्ट मेथड को समझने के लिए लॉन्ग मेथड समझना होगा। ठीक, तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड को समझेंगे। ठीक, तो पहला एग्जांपल, सेम जो एग्जांपल हम लोगों ने समझा, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक, समझने के लिए मैं मान लेता हूं साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, लॉग एक्स को कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये कंप्लीट फंक्शन है। तो शॉर्ट मेथड को समझने के लिए लॉन्ग मेथड समझना होगा। तो लॉन्ग मेथड के लिए रूल है क्या, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। ठीक, इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या है, अंदर से बाहर,
log x ब्रैकेट के अंदर और sin x ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर से किधर आना है, बाहर की तरफ आना है, समझ गए। तो हमेशा अभी देखिए लेट करेंगे, लेट u इक्वल टू log x, क्या करेंगे लेट u इक्वल टू log x अंदर से बाहर, तो लेट किधर से करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ, तो माना कि u क्या है हमारा log x। और हमेशा अंदर वाला जो फंक्शन होता है उसे हम कंप्लीट फंक्शन के रूप में समझते हैं। यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x ठीक 1/x होता है ना, तो एक कंप्लीट फंक्शन है। तो हम अंदर वाले जो फंक्शन होते हैं इनसाइड वाला उसे कंप्लीट फंक्शन के रूप में समझते हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ आना है, समझ गए। तो log x को हमने लेट कर लिया u, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, log x की जगह रख देंगे u, इसको मान लेंगे इक्वेशन वन, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड ठीक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कहने का मतलब du by dx इक्वल टू d by dx ऑफ log x ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए log x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x, तो du by dx कितना आ गया 1/x। अब आते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पर ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब u के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे dy, y यानी dy और u यानी du ठीक, तो dy du और y की जगह क्या आ जाएगा sin u ठीक। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो sin u का डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं कहते माय मिस्टेक, sin u का डेरिवेटिव cos u ठीक, और तो हम क्या लिखेंगे dy by du होता है sin u, तो यहां आ जाएगा cos u ठीक, तो u की जगह हम क्या लिख देंगे, u की जगह क्या लिख देंगे log x, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं u की जगह log x, समझ गए। अब देखिए मुझे क्या फाइंड करना होता है इन क्वेश्चन में, क्या फाइंड करने के लिए गिवन होगा आपको, गिवन होगा फाइंड dy by dx, आपको dy by dx फाइंड करना है। तो देखिए मैं dy by dx कैसे ला सकता हूं, कैसे लाऊंगा, dy by du ये वाला जो इक्वेशन है dy by du into du by dx है। अब देखिए du और du कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा dy by dx आ जाएगा। ये समझने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि मैं dy by dx कैसे ला सकता हूं, तो इतना ध्यान में रखिएगा, ये बस बेसिकली समझने के लिए था। अब देखिए यहां क्या लिखूंगा dy by du into du by dx ठीक। अब देखिए dy by du किसके बराबर है, cos log x के बराबर है, और मल्टीप्लाई का साइन, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, फिर एक और ब्रैकेट क्योंकि मल्टीप्लाई में है, du by dx क्या आया था हमारे पास 1/x, तो 1/x ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं लॉन्ग मेथड में ठीक, एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं लॉन्ग मेथड। देखिए y इक्वल टू है हमारे पास e की पावर 10x, e की पावर 10x, तो हमारा क्या होता है d by dx of e की पावर x, e की पावर x,
यही होता है ना डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। यहां पर क्या है हमारे पास ई है, क्या है ई है, बट एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है हमारे पास टेन एक्स। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो मैं लेट कर लूं कि ई के लिए एक्स जो है, ई के लिए एक्स जो है वो क्या है टेन एक्स, क्या है टेन एक्स। इसका मतलब ई किस पर डिपेंड कर रहा है, टेन एक्स वाले फंक्शन पर। तो यहां क्या अप्लाई होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, समझ गए किस तरीके से हमें पहचानना है कि कहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा। अब हमारे पास क्या है लॉन्ग रूल है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जहां पर दो फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, दो ही फंक्शन है ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, कौन सा लॉन्ग वाला लगाएंगे। ठीक, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो लेट इनसाइड आउटसाइड, ठीक, अंदर से बाहर, अंदर हम किसको रखते हैं कंप्लीट फंक्शन को, तो इनसाइड आउटसाइड। तो इनसाइड से बाहर इस तरीके से हम क्या आएंगे अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। तो मान लेते हैं कि लेट u इक्वल टू क्या होगा हमारा टेन एक्स, मैंने माना कि u इक्वल टू क्या है टेन एक्स, और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर u, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना होता है डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर जो वेरिएबल हो क्या है x। ठीक, तो डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो हमारे पास डी यू बाय डी एक्स कितना आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स। ठीक, इक्वेशन नंबर वन हमने सोल्व कर लिया, अब हमारे पास क्या बचता है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो डी वाई बाय डी यू, डी वाई बाय डी यू, एक स्टेप और लिख देता हूं समझने के लिए, देखिए बेसिकली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू। इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे किस पे रिस्पेक्ट में, यू के, यहां पर जो वेरिएबल हो। ठीक, तो डी वाई बाय डी यू इक्वल टू डी बाय डी यू, वाई की जगह क्या आ जाएगा ई की पावर यू। और हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंशिएट डेरिवेटिव जो होता है ई की पावर एक्स का वो ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहां पर ई की पावर यू है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ई की पावर यू। तो डी वाई बाय डी यू कितना आ गया ई की पावर यू। अब मुझे क्या करना है u की जगह पर क्या पुट करना है टेन एक्स, तो u की जगह पर मैं क्या कर दूंगा टेन एक्स। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें क्या फाइंड करना होता है डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड क्या करना होता है डी वाई बाय डी एक्स, यही फाइंड करना होता है। तो अभी मैंने बताया डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी यू किसके बराबर है e की पावर 10x, सॉरी e की पावर 10x। ठीक, और मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और डी यू बाय डी एक्स sec स्क्वायर एक्स, तो यहां पर लिख दीजिए sec स्क्वायर एक्स। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन देखिए लॉन्ग मेथड से, लेट वाई, चलिए लेट की जगह मैं डायरेक्ट एक फंक्शन ही ले लेता हूं आपके लिए, मान लेता हूं कि वाई इक्वल टू है मेरे पास साइन ई की पावर एक्स, क्या है साइन ई की पावर एक्स। हमारे पास क्या होता है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो कैसे पता चलेगा कि यहां पर फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है,
देखिए यहाँ पर साइन के साथ क्या लगा होना चाहिए, एक्स लगा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है e की पावर एक्स, ठीक। तो इसका मतलब मुझे इस साइन को कंप्लीट फंक्शन बनाने के लिए इस पर डिपेंड करना होगा। तो साइन के लिए एक्स क्या मान सकते हैं हम, पूरा e की पावर एक्स एक फंक्शन को। तो साइन किस पर डिपेंड कर गया, e की पावर एक्स पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगने वाला है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक। और चूंकि यहाँ पर सिर्फ ये दो फंक्शन है, क्या है, ये दो फंक्शन है जो एक साइन इस पर डिपेंड कर रहा है, और इसके चेंज होने से ये चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लॉन्ग मेथड अप्लाई करेंगे, समझ गए किस पर लॉन्ग मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या होता है, इनसाइड आउटसाइड आपको मेंशन नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, इनसाइड आउटसाइड, ठीक, अंदर से बाहर की तरफ। अंदर किसको रखना है, एक कंप्लीट फंक्शन को, किसको, कंप्लीट फंक्शन को। तो मैंने रख दिया e की पावर x को अंदर, ठीक, और यहां पे हमारे पास आउटसाइड। तो माना कि लेट u इक्वल टू e की पावर x, ठीक। तो y किसके बराबर हो जाएगा, साइन u के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। हमेशा डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक। तो आंसर क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि यहां पर यू है। तो डी वाई बाय डी यू इक्वल टू डी बाय डी यू इक्वल टू साइन यू, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो डी वाई बाय डी यू, डेरिवेटिव ऑफ साइन यू इज अभी तक क्या है, कॉस यू, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, u की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं जो हमने लेट करा है। तो u इक्वल टू e की पावर x, ठीक। अब क्या फाइंड करना होता है हमें, फाइंड क्या हुआ था, क्या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फाइंड इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, अरे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यही फाइंड करना होगा। तो डी वाई बाय डी एक्स है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाय डी यू इन टू डी यू बाय dx, ठीक, ये होगा। तो dy by du किसके बराबर है, cos e की पावर x के बराबर, ठीक। ब्रैकेट चूंकि मल्टीप्लाई में है, तो du by dx क्या निकला था हमारा, e की पावर x, तो e की पावर x। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन में लॉन्ग मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक। अब हम समझेंगे लॉन्ग मेथड, सॉरी लॉन्ग मेथड तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे शॉर्ट मेथड। अब क्या समझना है, शॉर्ट मेथड। देखिए शॉर्ट मेथड को समझने के लिए अगर मैं एग्जांपल जो शुरुआत में लिया ना उसी पे अप्लाई करके देखिए, ठीक। क्या था, साइन लॉग एक्स, शॉर्ट मेथड। हमें क्या फाइंड करना होता है, डी वाई बाय डी एक्स। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, फिर बराबर का साइन, ठीक। अब मुझे इसे समझाने के लिए क्या करना होगा, देखिए मैं इस तरीके से पेज ले लेता हूं, ठीक। और यहां पर देखिए डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स, यही होता है। देखिए एक हमें लेफ्ट से जाना होता है, ठीक, और शॉर्ट मेथड का रूल होता है वन एट अ टाइम, एक बारी में एक, और वो भी लेफ्ट से, ठीक। इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा, शॉर्ट मेथड में लेफ्ट वन एट अ टाइम, लेफ्ट से शुरुआत करना है और एक बारी में एक, ठीक, कहने का मतलब।
तो लेफ्ट से शुरुआत करेंगे और एक बारी में एक फंक्शन, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारे पास साइन, ठीक। तो हमें किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, साइन का। तो क्या करना है, साइन को रहने दीजिए और बाकी को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ठीक। हमने कर लिया कवर, ठीक। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, बट मेरे पास क्या है, सिर्फ साइन है। बट मैंने आपको बताया कि फंक्शन और फंक्शन किस पर लगेगा, जब फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और यहां कर रहे हैं। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का, कोस एक्स, तो आप लिखिए कोस। आपके पास एक्स तो है नहीं, तो एक्स की जगह पर क्या होगा, बाकी बचे हुए फंक्शन आ जाएंगे, और बाकी बचे हुए फंक्शन क्या है, लॉग एक्स, तो आप लिख लीजिए लॉग एक्स, ठीक। अब साइन के बाद कौन सा फंक्शन आता है, लॉग एक्स आता है, तो उसके बाद कोई और फंक्शन नहीं आता, तो अब सिर्फ लॉग एक्स बच गया, और उसका डिफरेंशिएशन यानी उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, वन बाय एक्स। और यही हमारा आंसर था, लॉग मेथड से निकाला सेम, शॉर्ट मेथड से निकाला सेम। अब दोबारा से एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ठीक। देखिए y इक्वल टू साइन टेन लॉग e की पावर x, यहां पर हम क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड नहीं शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। क्या रूल होता है, लेफ्ट और वन एट अ टाइम, लेफ्ट से शुरुआत करना है और एक बारी में सिर्फ एक फंक्शन, ठीक। देखिए लेफ्ट से शुरुआत करा, पहला फंक्शन क्या था हमारे पास, साइन, फिर टेन, फिर लॉग, फिर ई की पावर एक्स, तो एक बारी में सिर्फ एक फंक्शन साइन, ठीक। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का, कोस एक्स, तो आप कोस लिखिए, ठीक, क्योंकि बेसिकली आपके पास यहां पर क्या है, साइन है, तो एक्स की जगह पर आप क्या लिखेंगे, बाकी बचे हुए फंक्शन क्या है, टेन लॉग ई की पावर एक्स, ठीक, हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन पर आइए, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, टेन, तो टेन को ऐसे रहने दीजिए, साइन को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ टेन पर ध्यान दीजिए, टेन के बाद बाकी बचे हुए फंक्शन को कर लीजिए कवर, ठीक। टेन का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या है, सिर्फ टेन, तो आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, बाकी बचे हुए फंक्शन, टेन के बाद जो भी फंक्शन बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, लॉग ई की पावर एक्स, इतना हो गया, टेन तक कंप्लीट। अब कौन सा फंक्शन बच गया, लॉग वाला, तो लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे हम, और बाकी जो पीछे रह गए उनका हो चुका है, उसे भूल जाइए, लॉग पे ध्यान दीजिए, ठीक। लॉग के बाद जो भी फंक्शन है उसे क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसमें लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय एक्स, तो आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई में वन बाय में एक्स, तो बेसिकली एक्स तो हमारे पास है नहीं, एक्स की जगह पर हम क्या लिखते आ रहे हैं, उसके बाद आगे वाले फंक्शन, तो लॉग को तो कवर कर दिया था, लॉग के बाद कितने फंक्शन बचे हैं, सिर्फ एक फंक्शन, क्या, e की पावर x, तो हमने x की जगह पर क्या रख दिया, e की पावर x, ठीक, क्योंकि d by dx of log x होता है 1 by में x, और x तो बेसिकली हमने किससे माना है, बाकी बचे हुए फंक्शन को, तो log के बाद कौन से फंक्शन बचे हैं, सिर्फ एक, e की पावर x, ठीक। तो अब log के बाद कौन सा फंक्शन आता है, e की पावर x, उसके बाद कोई और फंक्शन है नहीं, है ना, तो e की पावर x लास्ट है, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x, ठीक। अब यहां देखिए e की पावर x और ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास आंसर क्या बच रहा है, cos tan log e की पावर x sec स्क्वायर log e की पावर x, ठीक। इस तरीके से हम क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट वाइज हम क्वेश्चन को करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन, ठीक। मान लेता हूं
कि y इक्वल टू अंडर रूट में साइन x है। ठीक, यहां पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, देखिए हमारे पास क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट x, आंसर 1 ओवर में 2 अंडर रूट x, यही होता है। यहां पर हमारे पास क्या है, साइन x है, तो अंडर रूट x का क्या होता है, 1 ओवर में 2 अंडर रूट x, तो साइन x को मैं पूरा x भी अपनी इच्छा से मान सकता हूं कि हाँ ये x है। ठीक, तो सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन सॉल्व करेंगे, अंडर रूट वाला फंक्शन, तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए dy by dx यही फाइंड करना होता है, इक्वल टू dy dx ऑफ अंडर रूट साइन x। ठीक, अब देखिए वन एट अ टाइम वाला रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट यानी बाकी बचे हुए फंक्शन को हमने कर लिया कवर, हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ अंडर रूट, और डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, वन ओवर में टू अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह को आप खाली छोड़ दीजिए और बाकी सारी चीजें ऐसे उतार दीजिए, वन ओवर में टू अंडर रूट, और एक्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं, बाकी बचे हुए फंक्शन, यहां आपको कौन कौन के फंक्शन बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ एक, कौन सा, साइन एक्स, तो उतार दिया, अंडर रूट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स, इसके बाद कोई और फंक्शन नहीं है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स टू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसी में नेक्स्ट टाइप देखिए, y इक्वल टू अंडर रूट में हमारे पास क्वेश्चन है साइन टेन e की पावर x। ठीक, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले अंडर रूट, फिर साइन, फिर टेन, फिर e की पावर x। ठीक, और क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि यहां पर क्या लगने वाला है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, अब तक तो समझ में आ चुका होगा, साइन के साथ एक्स लगा होना चाहिए, टेन के साथ एक्स लगा होना चाहिए, तो यहां पर क्या लगेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, अंडर रूट के नीचे एक्स होना चाहिए, इस वजह से यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर फंक्शन एक दूसरे पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो वन एट अ टाइम वाला खेल है, और लेफ्ट से, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट में साइन टेन ई की पावर एक्स। ठीक, मैंने अभी आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया, सबसे पहले वन एट अ टाइम, और डी बाय डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, वन ओवर में टू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट तो है, एक्स नहीं है, तो एक्स तो मैंने लेट कर रखा, मान रखा अपनी तरफ से। ठीक, तो आपको क्या करना है, सारी चीजें लिखनी है बट एक्स नहीं लिखना है, तो वन ओवर में टू अंडर रूट लिख दिया, x की जगह पे हम क्या लिखते आ रहे हैं, बाकी बचे हुए फंक्शन, और बाकी कौन से फंक्शन बचे हैं, साइन टेन e की पावर x, तो अंडर रूट वाला पोर्शन सोल्व, उसे छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, साइन का, तो साइन के बाद जो भी फंक्शन है उसे कर दीजिए कवर, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x, तो मुझे यहां पर मल्टीप्लाई में क्या लिखना होगा, कॉस, एक्स तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि एक्स की जगह पे हम क्या लिखते आ रहे हैं, बाकी बचे हुए फंक्शन, तो बाकी ये फंक्शन बच गए, तो कॉस एक्स की जगह पर क्या आएगा, टेन ई की पावर एक्स। ठीक, अब हम कौन से फंक्शन पर आएंगे, साइन के बाद कौन सा फंक्शन है, टेन। ठीक, पिछले फंक्शन को छोड़ते जाइए क्योंकि उनका हम कर चुके हैं, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट डाल दीजिए, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है। अब 10, तो उसके बाद वाला फंक्शन मैंने कर दिया कवर। ठीक, अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, sec स्क्वायर x, सॉरी 10 x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। ठीक, तो मुझे क्या करना है, sec स्क्वायर लिखना है बट x नहीं लिखना है, तो sec स्क्वायर, और x की जगह पर मुझे क्या लिखना है, बाकी बचे हुए फंक्शन, तो 10 के बाद कौन से फंक्शन बचे हुए हैं, सिर्फ e की पावर x, तो sec स्क्वायर e की पावर x।
अब 10 के बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, e की पावर x, उसके बाद कोई और फंक्शन नहीं है, तो लास्ट फंक्शन है e की पावर x और इसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x ही, ठीक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप में है, y इक्वल टू अंडर रूट में साइन टेन कॉस अंडर रूट एक्स। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए डी वाई बाय डी एक्स, सबसे पहले अंडर रूट को सोल्व करेंगे, तो d by dx of under root x equal to 1 over में 2 under root x, यही होता है। अब कवर करने की कोई जरूरत नहीं है, अब उतना समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक। तो सबसे पहले अंडर रूट का करेंगे, बाकी बचे हुए फंक्शन को आप भूल जाइए, ठीक। सबसे पहले शुरुआत में और वन फंक्शन एट अ टाइम, तो 1 over में सबसे पहले हम ये नहीं लिखेंगे, सबसे पहले dy by dx लिख के d by dx लिखेंगे, फिर अंडर रूट में साइन टेन कॉस अंडर रूट एक्स लिखेंगे, ठीक। अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, वन ओवर में टू अंडर रूट एक्स, तो वन ओवर में टू अंडर रूट और एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बाकी बचे हुए फंक्शन, बाकी कौन से फंक्शन बचे हैं सबको लिख दीजिए, साइन टेन कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक। तो अंडर रूट वाला हमने सोल्व कर लिया, अब क्या बच गया, साइन, देखिए साइन बच गया, अंडर रूट सोल्व हो गया, उसे भूल जाइए, साइन साइन के बाद वाले जो भी फंक्शन है उसे क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए, तो मैंने कर दिया कवर। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव है कोस एक्स, ठीक। तो कोस लिखेंगे और x की जगह बाकी बचे हुए फंक्शन, तो लिख दीजिए cos, बाकी बचे हुए फंक्शन कौन कौन से हैं, tan cos, ठीक, अंडर रूट x, यही है। उसके बाद sin के बाद कौन सा फंक्शन आता है, tan वाला फंक्शन आता है, tan के बाद जो भी फंक्शन है उसे आप भूल जाइए, कवर कर दीजिए। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर और x की जगह क्या लिखेंगे, बचे हुए फंक्शन, बचे हुए फंक्शन है ये cos अंडर रूट x, ठीक। tan का हो चुका है, अब किस पर आएंगे, cos पर आएंगे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x माइनस sin x, तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स, ठीक, समझ गए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन लिख लिया और एक्स की जगह नेक्स्ट वाला फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स। अब देखिए अंडर रूट एक्स भी एक फंक्शन है, अभी हम लोगों ने देखा डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इज वन ओवर में टू अंडर रूट एक्स, ठीक। तो इस तरीके से हम फंक्शन ऑफ फंक्शन सोल्व करेंगे इसका, ठीक, आगे जो कट रहा होगा आप उसे काट सकते हैं, बेसिकली इस तरीके से हम फंक्शन ऑफ फंक्शन सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, इसी में y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, इसका कैसे सोल्व करेंगे, वन फंक्शन एट अ टाइम, ठीक, और लेफ्ट से शुरुआत करना है। आप लोगों को जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था तभी एक चीज बता रहा था कि साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर गिवन है और मुझे इसे खोलना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, साइन पे स्क्वायर आएगा, उसका जो ये रेडियन वैल्यू वैल्यू है उस पे स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू साइन स्क्वायर x है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर, ठीक। ये इसलिए समझाया क्योंकि dy by dx x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, पता है। तो अगर मेरे पास dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर हो तो मैं लिख सकता हूँ
2x, ठीक। तो यहां पर स्क्वायर है और x किसको मान के चलूंगा, पूरे sin x को, किसको, पूरे sin x को। तो देखिए मैं dy by dx, फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मत लगाना, ठीक। dy by dx equal to dy dx of sin x का होल स्क्वायर, ठीक। वन फंक्शन एट अ टाइम, तो वन फंक्शन यानी स्क्वायर वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे, यानी dy by dx, ठीक। तो यहां y की जगह हम लोगों को क्या है, x स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। तो यहां पर 2 लिखिए और x तो बेसिकली हम मेंशन करें sin x को, sin x को मेंशन करें, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, sin x। तो अंडर रूट वाला फंक्शन सॉल्व कर चुके हैं, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, sin x, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2 sin x cos x, ठीक। अगर मुझे यहीं पर अलग टाइप के क्वेश्चन मिले, जैसे y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो सेम y इक्वल टू साइन एक्स का होल क्यूब, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब, तो पहले इसे सोल्व करूंगा, तो हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप, 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स, तो x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि वन फंक्शन एट अ टाइम, यहां पर x तो है नहीं, यहां पर क्या गिवन है, साइन एक्स, तो x को हम इमेजिन करके चल रहे हैं, बेसिकली सॉल्व यही कर रहे हैं, बट x जो है वो हमारा इमेजिन है। तो वन फंक्शन एट अ टाइम, साइन एक्स को हमने कर दिया कवर, तो x क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो 3 लिखिए x की जगह, बाकी बचे हुए फंक्शन, बाकी कौन सा फंक्शन बचा था, साइन एक्स, साइन एक्स लिख दिया x की जगह और स्क्वायर, ये हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन पे आइए, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक। अगर आपको मिलता है y इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो वन फंक्शन एट अ टाइम, कोस एक्स को कर दीजिए कवर और स्क्वायर का सोल्व कीजिए, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, तो 2 लिखिए, x तो हमारा इमेजिन है, तो x की जगह पर हम क्या लिखते आते हैं, बाकी बचे हुए फंक्शन यानी cos x। अब cos x वाला हो चुका है, स्क्वायर वाला फंक्शन सोल्व कर चुके हैं, उसके नेक्स्ट फंक्शन पे आइए, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, cos x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो ओवरऑल आंसर आ गया आपके पास माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट है जो फंक्शन और फंक्शन हम सॉल्व करते हैं, उसमें जरूरी है कि हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझे। अब तक हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा, एक तो अंडर रूट वाले और एक स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, ठीक। यहाँ पर आपको कोई सा भी पावर मिल जाए तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे मिक्सचर क्वेश्चन।